कहते हैं शराज यार कौन है? अब सबको पता है शराज कौन है, वहां भी तुम्हारे बड़े फैन है पूरी दुनिया में, पता है तुम्हें? अमेरिका में, कनाडा में सारे पूछते हैं शराज शराज के बारे में। यार लड़ते भी हो तुम शराज? यार लड़ते भी हो? पाकिस्तान टीम के देखो इधर एक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो शिराज? मैं ठीक हूँ, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं कामरान गुलाम हूँ, मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असीबुल्ला और मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ पाकिस्तान टीम का, और मैं आया हूँ शिराज से मिलने। आप दोनों मेरे व्लॉग देखते हैं? मैं तो आपका हर व्लॉग देखता हूँ, बहुत मजा आता है। लाइक करते हैं, लाइक फॉलो सब कुछ करते हैं। आप भी देखते हैं कामरान भाई? मैं तो बिल्कुल देखता हूँ, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। शेयर करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है आपका व्लॉग। ये शर्ट मुझे उन्होंने तोहफे में मुझे दिया है, देखो। तो अभी चलो चलते हैं शख्तर अफ्तार से मिलने, अभी उनके टीचर से मिल के बहुत खुशी हुई। तो अभी हम शख्तर अफ्तार से मिलने जा रहा है। कामरान भाई और सुरुला भाई बहुत अच्छे थे। तो दोस्तों फाइनली हम शख्तर अफ्तार के घर पहुँच चुके हैं, शख्तर अफ्तार से मिलने के लिए। तो चलो देखते हैं। तो ये है शख्तर अफ्तार के घर। तो हम पहुंच गए हैं जी शख्तर अफ्तार की घर। देखो ये शख्तर अफ्तार की घर है, इसका नाम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसका नाम सलाम करोगे? करोगे। अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप होंगे। ये देखो ये भाई है, ये बाबा है, ये घर चले बहुत घर में है। क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। कैसे हो? क्या नाम है मेरा? शोएब। बल्तिस्तान से। आप लेकिन बॉलिंग खतरनाक करते हो। हाँ ना, मारता हूँ ना बॉलिंग ऐसे करके, ऐसे बहुत तेजी से। हाँ बहुत तेज बॉलिंग करता हूँ। तो मेरा दिल करता था बैट्समैनों को मारूं, जब वो आउट नहीं होते थे ना, दिल करता मैं यहाँ पे बॉल मारूं। हाँ ना, तो फिर बड़े बड़े बैट्समैनों को ना फिर मैं मारता था। तो तुम्हें फास्ट बॉलिंग अच्छी लगती है? फास्ट बॉलिंग अच्छी लगती, तेज बॉलिंग जो मैं करता हूँ। हाँ, क्या देखा था फास्ट बॉलिंग? किसको मारते हुए देखा था मैं? जब बॉलिंग कर रहा था मैं, किसको मार रहा था? नहीं, बॉलिंग मार रहा था, विकेट को मार रहा था। अच्छा, वो तो मेरा निशाना नहीं होता था विकेट, मैं तो मुझे लगता था बैट्समैन विकेट हैं उनको मार। नुकसान हो जाता था भी। हाँ ना, सारे लोग प्यार कर रहे हैं तुम्हें, अच्छा लग रहा है ना? फिर आप इतना फेमस हो गए हो, बड़े होकर क्या बनोगे आप? बड़े होके तो पता नहीं, बड़े होके बताऊंगा। क्या बड़े तो हो चुके हो? नाम तो पता चल जाएगा ना बड़े हो गए तो। यार मेरी बड़ी ख्वाहिश है ना, गिलगित बल्तिस्तान के भी लड़के आए, वहाँ से भी आए ना, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं ना बड़े तगड़े होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। पख्तून हों, गिलगित बल्तिस्तान के हों, वहाँ के लोग क्या जीन्स बड़े अच्छे होते हैं वहाँ से, स्ट्रांग। ये देख तुम्हारे कितना हाथ, कितना स्ट्रांग है, ये देखो कितना सख्त है हाथ। वहाँ से फास्ट बॉलर निकलेगा वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा, मेरा जो स्पीड का रिकॉर्ड है मैं तोड़ सकता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान से लोग आने चाहिए ना तो मुझे कभी यहाँ पे आ जाए, हमें भी वहाँ जाना चाहिए ना। मुझे कोई बुलाता ही नहीं बल्तिस्तान में, मेरा तो बड़ी ख्वाहिश है यार, मैं आऊँ उधर लोगों से मिलूंगा। कभी उन लोगों से मिला भी नहीं। मैं तेज बॉलिंग पता कैसे करता था? यहाँ से मैं सोचता था मैं दुनिया का तेज स्पिन फास्ट बॉलर बनूंगा। और जो मेरे सबसे फेवरेट खिलाड़ी थे जिनकी वजह से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, इमरान खान, उनके साथ खेलूंगा, लेकिन वो तो रिटायर हो गए। फिर मेरे फेवरेट खिलाड़ी थे वो यूनुस, फिर मैं कहा मैं उनकी तरह बनूंगा।
तो फिर मैं उनकी तरह बन गया। हाँ इमरान खान, हाँ हाँ, उनकी वजह से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी। तो मैंने सोचा मैं उनके साथ खेलूंगा, वो तो रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने ही मुझे पिक किया था। एंड वो जब मेरे 19 साल का था ना, तो वो एक कैंप लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा इसको खिलाओ। वो 94 की बात है, तो लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, मुझे फिर बहुत लेट खिलाया। लेकिन मैं जब खेला तो मैंने कहा यार मैं अपने जो मैं जिनको सबसे ज़्यादा पसंद करता था क्रिकेटर, वकार यूनुस थे, मैं उनकी तरह बनूंगा, उनकी तरह मैं करूंगा। मुझे क्या पता मैंने उनको, मेरी वजह से वो टीम से बाहर हो गए। तो मैं इतनी तेज़ बॉलिंग करता था कि मैंने कहा यार कि मैं लोगों को डराऊंगा, फिर डराया। फिर वो सब भाग गया। सब भाग गए और भाग भी गए, डर भी गए। लेकिन मजा ये आता था कि मुझे सबसे ना, सबसे जो इंडिया पाकिस्तान या कहीं पे भी जो लोग होते ना, मुझे सबसे प्यार है, मुझे सारे अच्छे लगते थे। लेकिन जब बॉलिंग करता था ना तब नहीं अच्छे लगते, बॉलिंग के टाइम नहीं कोई भी अच्छा लगता, वैसे मुझे सारे अच्छे लगते। बॉलिंग के साथ जब कोई आ जाए ना, फिर मैं देखता था यार इधर 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 बॉलिंग बॉले मारता था। सौरभ गंगुली कहता था यार नीचे बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट नीचे हैं, इधर विकेट थोड़ी लगी है, तुम इधर क्यों बॉलिंग मारते हो। तो मजा आता था यार। आपको कौन सी ग्राउंड में खेलना पसंद है? मुझे पिंडी जहाँ से मैं आता हूँ, और मेलबर्न MCG और केप टाउन। हाँ तुम जाओगे मेरे को? नहीं जाओ ना यार, वहाँ भी तुम्हारे बड़े फैन है पूरी दुनिया में, पता है तुम्हें? अमेरिका में, कनाडा में सारे पूछते हैं शिराज शिराज के बारे में, आजकल पता है? कनाडा, हाँ कनाडा भी सारे पूछते हैं तुम्हारा भाई, तभी कहते हैं शिराज यार कौन है। अब सबको पता है शिराज कौन है, कनाडा में पता है, अमेरिका में पता है, पाकिस्तानी पता है, अभी इंडियंस को भी पता चल जाएगा। हाँ ना, तो इंडियंस भी बहुत प्यार करते हैं। मुझे बॉलिंग करना सिखाओ ना, कैसे बॉलिंग टैलेंट होता है ना यार, करके दिखाऊं? चलो मैं थोड़ी देर बाद करके भी दिखाऊंगा। है ना, मुझे बुलाओ ना यार, गिलगित बल्तिस्तान बुलाओ ना यार, मुझे इतने लोग अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे लोग यार। मुझे जब बोलोगे तब तब मैं आ जाऊंगा यार, मैं वाकई में कह रहा हूँ। मुझे वहाँ के सारे नॉर्दर्न एरिया के लोग ना, जितने तुम्हारे इलाके के, सारे अच्छे लगते हैं। मैं चाहता हूँ वहाँ से कोई फास्टेस्ट बॉलर आए, मेरा रिकॉर्ड तोड़ दे, कोई भी कहीं से भी आए मैं उसके साथ खड़ा हूँ। इंडिया से है, गिलगित से है, कश्मीर से है, कहीं से भी दुनिया में आए, रिकॉर्ड तोड़ दे मैं खुश हो जाऊँ। अभी वो इंडिया का लड़का आया था ना मयंक, इतनी तेज़ बॉलिंग कर रहा था, सारे कह रहे हैं शुएब अख्तर रिकॉर्ड तोड़ देगा। उनको ये नहीं पता अगर शुएब अख्तर ट्रेनिंग नहीं कराएगा ना तब तक रिकॉर्ड नहीं टूटेगा उसका, शुएब अख्तर ट्रेनिंग कराएगा तो रिकॉर्ड टूट जाएगा। तुम खेलोगे तेज का खेलो? अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम खेलोगे या क्या? मैं खाली बॉलिंग करके दूंगा। बैट है? बैट दो, आ जाओ आ जाओ, बैट दे, तुम वहां खड़े हो जाओ। अभी मैं शक्तराता के साथ बॉलिंग करने जा रहा हूँ, ये खेल का क्या? हर बार पे छक्का मारूंगा, लेकिन छक्का मारो पे क्या कर रहे? खेला कर रहे, किससे क्या होगा? इससे तो पावर आएगा। पावर से क्या होगा, वो तो ठीक है, मुझे छक्का तो फिर भी नहीं मार सकते, दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन मुझे छक्का नहीं मार सकते। सुभाष सचिन तेंदुलकर ने मारा था मुझे छक्का। बच्चों को बुला लो भाई, बच्चों को बुला लो, आस्था करूंगा, मारो मारो। अब तेज करो, तेज करो, तेज करिएगा, तेज। यार लड़ते भी हो तुम यार, यार लड़ते क्यों?
आपको की दोस्तों आई लव यू मिलते हैं अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर देना ना भूलिए। आज अख्तर आप साथ मिला, बहुत मजा आया, अल्लाह हाफिज।